Good morning everyone. As you are taking standard 4 subject English, period number 6, I am a little one. तो ये लेसन जो छोटे से क्वार में तो यहाँ पर आपके जैसे छोटे से बच्चे हैं और वो अपने लिटिल पोनी के बारे में बताते हैं तो हम देखते हैं वो अपने लिटिल पोनी के बारे में और क्या कुछ बताते हैं। I had a little pony. His name was Dapper Gray. I lent him to a lady to ride a mile away. अब देखो लेंट का मतलब होता है उधार देना। तो यहाँ पर छोटे से बच्चे जो है वो ऐसा बताते हैं कि मेरे पास एक छोटा सा पॉनी था और वो पॉनी को मैंने एक दिन किसी लेडी को उधार पे दे दिया और वो पॉनी जो था वो पॉनी का नाम था डैपल ग्रे और वो डैपल ग्रे को वो किसी लेडी को उधार पे दे देती है बहुत लंबे समय की सेल कराने के लिए। She whipped him, she lashed him, she drove him through the mire. I hold on to lend my pony now for all the ladies hire. Whipped का मतलब होता है मारना और lashed का मतलब होता है डराना धमकाना। तो एक जो बच्ची थी उसने उसकी जो लिटिल पोनी को वो और लेडी को उधार भी दे दिया था तो लैडी जो कि अपनी उसकी लिटिल पोनी पर बहुत सितम बुझाती थी उसको बहुत परेशान और तंग करती थी वो क्या करती थी उसको विपड़ा यानी कि मारती थी लेश उसको धमकाती थी भी उसको डरा भी थी ऐसे सब कुछ जैसा गलत भी है वो लिटिल पोनी के साथ करती थी और क्या करती थी माया का मतलब होता है कार के पीछे और लेडी सिर्फ उसको मारती थी और धमकाती थी ऐसा नहीं था उससे भी आके वो मायर की कादर पिक्चर तो जो लेडी जो थी वो लिटिल पोनी को कादर पिक्चर में माइल तक दूर दूर तक कादर पिक्चर में से उसको ले जाती थी कादर पिक्चर में से उसको चला कर ले जाती थी और हायर के पैसे से खरीदना। तो वो लड़की और क्या करती थी कि उस लेडी ने मेरी जो लिटिल पोनी थी उस पर बहुत ज़्यादा सितम गुजारा तो आज से लेकर लाइफ में अगले दिन आगे वाले दिन में मैं कोई भी लेडी को इस तरह से मेरा जो लिटिल पोनी है वो कभी भी उसको नहीं दूंगी। तो इस तरह इस पॉइंट में जो छोटी बच्ची वो अपनी लिटिल पोनी के बारे में इस तरह से बताती है कि वो अपनी लिटिल पोनी को किस तरह बेहद प्यार करती है और वो आज के बाद भविष्य में किसी को भी अपनी लिटिल पोनी को किसी लेडी को देने की बात नहीं करती है। तो इस तरह से ये पॉइंट यहाँ पर हमारे फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।